दिया और इस आउट के जरिए 8-10 अब फासला सिमट रहा है। असरपुर भी अब वापसी करती देखी जा रही है, संभाल लिया है, फिर उसके बाद राजा आए और इस मर्तबा अवे, राजा ने अवे कर दिया और जिसका फायदा मिला 9-10 9-10 मुकाबला बिल्कुल उलझता हुआ जा रहा है। लवली शॉट लेकिन उतना ही बड़ा प्यारा डिफेंस और ये राजा आए, लेकिन इस मर्तबा सोनू ने सिंगल हैंड से दबाया 10-10। तो इलियास साहब, इलियास मुबारकपुर बाबू मुबारकपुर से मिल ले, 10-10 का स्कोर। अब दोस्त मजा आ रहा, टाइम आउट का पूरा एडवांटेज मिला है अशरफपुर को। फिर से राजा आए, ड्रॉप दिया लेकिन ड्रॉप को जीशान ने बड़े अच्छी तरीके से संभाला। फिर जालिम यादव ने ड्रॉप देके फिर दफा, वाह रे जीशान, जबरदस्त डिफेंस जीशान यहाँ पे। फिर जालिम यादव पावरफुल स्मैश के जरिए बहुत देर के बाद सर्विस अपने नाम किया है जीशान जालिम ने। तो लगातार यहाँ पे कमेंटेटर पर इनामों की बरसात कर रहे हैं। सईद अहमद साहब विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर से विधायक पद के प्रत्याशी, छिछोरी से इनका ताल्लुक है और लगातार कमेंटेटर को इनाम से सम्मानित कर रहे हैं, अपनी जिंदा दिली का सुबोध दे रहे हैं। और फिर यहाँ पे हारिस का किरास संभाल लिया राजा ने, जालिम आए और इस मर्तबा कामयाबियों ने कदम चूमा 11-10। अजहर में देख रहा हूँ कि इंडियन आर्मी में सेवा करने वाला वो नौजवान अजहर भी अभी इस टूर्नामेंट से लग चुके हैं। तो आप जंपिंग सर्विस सवाला माइनस के लवली शॉट, टूर्नामेंटल अटैक बाय मिस्टर तनवीर, बेहतरीन अटैक दिया है कि कश्ती नहीं देखा कभी, नंग लंगर नहीं देखा, निकले हैं अभी तक तो समंदर नहीं देखा, गजब का यहाँ पे शॉट 12-10। फिर किसी तरह हारिस आया, लाजवाब प्रदर्शन दिया। शादाब और शब्बू साहब अशरफपुर कमेंट्री टेबल पे संपर्क करें जहां कहीं भी आ जाएं, तो वहीं पे मैं देख रहा हूं कि जमशेद भाई से सिद्धूपुर मुंबई से चलकर आए हैं, आइए आपका शुक्रिया। शकीब अख्तर साहब मोइसन ग्रुप लंदन, लंदन से दोस्त है इनका, जरूर कुछ ना कुछ रिश्ता है मोइसन ग्रुप से, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ की ककराहटा से ताल्लुक और इस मुकाबले में 4 चांद लगा रहे हैं शकीब अख्तर साहब, डॉक्टर जुबैर साहब, अल्ताफ भाई ककराहटा और रईस अहमद साहब ककराहटा, शुक्रिया अदा कर रहा हूं आप तमाम लोगों का, बहुत लाजवाब सर्विस, उतना ही प्यारा डिफेंस मोहम्मद आकिब आए लेकिन बहुत लाजवाब, राजा आया और बेहतरीन तरीके से प्रहार दिया। फिर यहां पे तारीख है लेकिन दबाए गए, फिर सोनू का क्रास, जालिम और ये जालिम के लिए इस बार टच आउट कराने में कामयाब 13-10। तो खुर्रम हयात साहब भी मैं देख रहा हूँ कि ग्राउंड के चारों तरफ घूमते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा मेहमान जो खड़ा नजर नहीं आ रहा है, मेहमान को बैठने का मौका दिया जाए। तो उस तरह से टाइम आउट लिया गया है यहाँ पर, सेकेंड एंड लास्ट टाइम आउट इज टेकन बाई इस्लामिया क्लब अशरफपुर, खिलाड़ियों को पानी पिला दिया जाए। 10-13-10 का स्कोर है और 13 पे सफर कर रही है टीम आयत बेबी पैड शेखुपुर, 10 पर इस्लामिया क्लब अशरफपुर। खालिद जफर साहब महाप्रधान पद के प्रत्याशी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अपना पूरा बेशकीमती समय दे रहे हैं। वरुण सिंह साहब मैं देख रहा हूँ नजर आ रहे हैं, हाफिज एहसान साहब पनकट महाप्रधान पद के प्रत्याशी पटवत कौतुक से इनका भी चेहरा देखा जा रहा है। तारिक पावरफुल स्मैश दिया और इस मर्तबा टच आउट का पूरा एडवांटेज लिया है 10-13। ये चांस है दोस्त इस्लामिया क्लब के पास, अब ये मौका अगर आपके हाथ से चला गया तो वो सेट भी चला जाएगा। सरफुद्दीन बीडसी मोहम्मदपुर का भी शुक्रिया, 10-13 अच्छी सर्विस, अच्छा पास और ये जालिम आए लेकिन फिर संभाला गया, जालिम के वार को आकिब आए, वाओ बेहतरीन। तो उस तरह से 11-13 11-13
तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि 12-13 ये मुकाबला भी उलझता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट टाइम आउट इज टेकन बाय आयन बेबी पैड शेखपुर। तो खालिद जफर साहब महाप्रधान पद के प्रत्याशी और शकीब अख्तर साहब माइसेंस ग्रुप लंदन यहां पर नजर आ रहे हैं। शकीब अख्तर साहब अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए और अपना बेशकीमती समय कुर्बान कर रहे हैं। आपको सलाम कर रहा हूँ। खालिद जफर साहब पूर्व प्रधान खालिदपुर के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि हाफिज एहसान साहब महाप्रधान पद के प्रत्याशी भी नजर आ रहे हैं। बाबू जावेद साहब बिलरियागंज चेयरमैन पद के प्रत्याशी और करीम लाला बिलरियागंज, लेकिन इस मरतबा 13-13 ये क्या कर दिया दोस्त आपने, बड़ी गलती हुई जिसका खमियाजा स्कोर बराबर। एक बार तालियों से इस्तकबाल किया जाए दोनों टीमों का, स्कोर इस वक्त बराबर, मुकाबला बराबरी की तरफ। राजा आए लेकिन इस मरतबा कामयाब रहे राजा, 13-13 पर सर्विस इस दफे आयत बेबी पैड शेखपुर। अब मैं देख रहा हूं कि आगमन हो रहा है आमिर का, दौना से ताल्लुक आमिर आ चुके हैं। 13-13 जालिम टू सर जंपिंग सर्विस, खराब पास लेकिन फिर राजा जालिम यादव, लवली लवली शॉट बाय जालिम यादव। चौदह 13 तो उस तरह से मैं देख रहा हूँ कि कैप्टन रेडी टीम ऑफ इस्लामिया क्लब सिरपुर। वाह, लाजवाब सर्विस, लाजवाब डिफेंस आकिब भाई, लेकिन बड़ा अच्छा डिफेंस। पॉइंट का सुनहरा मौका आमिर के पास, लेकिन जीशान मौजूद, फिर से यहाँ पे आमिर समझ ना सके। तो मोस्ट सीनियर खिलाड़ी राफे रईस, माफ कीजिएगा दोस्त, रईस साहब का ग्रहटा और अल्ताफ भाई का ग्रहटा, शकीब भाई का ग्रहटा, डॉक्टर जुबैर साहब इस्माइलिया फाउंडेशन का ग्रहटा के मालिक और रफीक मरहूम साहब जिन्होंने वॉलीबॉल पर बहुत दिनों तक राज किया, उनके साहबजादे शफकत रफीक भी नजर आ रहे हैं। आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और विनर टीम को 500 रुपए के नाम राशि साहब महाप्रधान पद के प्रत्याशी की तरफ से। बहुत अच्छा डिफेंस, फिर यहां पर खूबसूरत हाथ दिया मोहम्मद आकिब ने और 13-14 स्कोर कर दिया है। 500 रुपए के नाम विजेता टीम को मोहम्मद राशिद साहब महाप्रधान पद के प्रत्याशी पटवत कौतुक की तरफ से दिया जाएगा 500 रुपए के नाम। 13-14 सर्विस पर आसिफ, अच्छी सर्विस, फिर वहां पे जालिम यादव आए, शोएब, लेकिन उसी दरमियान रेफरी महोदय की विसिल। 14-14 मुकाबला किस तरफ जा रहा है, बीच समंदर में दोनों टीम की नैया ही खोले खा रही है। ये मुकाबला दोस्त तराजू के पलड़े पे बराबरी का लग रहा है और ये सालिम, लेकिन इस मरतबा फिर से संभाला गया आकिबा, लाजवाब लवली शॉट, टूर्नामेंटल शॉट बाई मोहम्मद आकिब। जितनी भी तारीफ करें इस खिलाड़ी की निगाहें भी मिलती है, दिल से दिल भी मिलता है, मगर कोई चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो राशिद साहब किसी वजह से इस टूर्नामेंट से जा चुके हैं, उनकी तरफ से 500 रुपए की नाम दिया गया था जीतने वाली टीम को महाप्रधान पद के प्रत्याशी। और वहीं पे पहला सेट बहुत कामयाबियों के साथ अशरफपुर ने अपने नाम कर लिया है दोस्तों।
और आकिब को इस गेम पर जो पलटवार किया था आकिब ने, इरफान साहब जयराजपुर की तरफ से 100 रुपए का इनाम और मोइजन ग्रुप ऑफ लंदन की तरफ से 200 रुपए का इनाम यानी